हे दोस्तों, टफा हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। 2018 नाम की एक मलयालम फिल्म आई है जिसने मलयालम सिनेमा के काफी सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इतने सारे रिकॉर्ड बनाए हैं कि भाई मोहनलाल और मम्मूटी जैसे बड़े कलाकारों की फिल्में भी पीछे चली गई हैं। 2018 एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसकी कहानी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। 2018 में जो केरला में बाढ़ आई थी उसी के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी बुनी गई है। फिल्म की कहानी और कलाकारों की एक्टिंग ने लोगों का दिल जीत लिया और यही कारण है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम 2018 फिल्म के 5 बड़े रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे। बाहर जाकर देखो तो पता चले गांव की क्या हालत हो रही है। नंबर 5, फास्टेस्ट 100 करोड़। 2018 फिल्म लूसीफर और पुली मुर्गन को पीछे छोड़कर सबसे तेज 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बन गई है। 2016 में आई पुली मुर्गन पहली मलयालम फिल्म थी जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं 2019 में रिलीज हुई लूसीफर ने करीब एक महीने में 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 फिल्म ने सिर्फ 11 दिनों में ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। जी हाँ, सिर्फ 11 दिनों में ही इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। हिंदी, तमिल और तेलुगु के लिए 100 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उनकी बड़ी फिल्में एक दो दिन में ही 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर देती हैं। लेकिन ये मलयालम सिनेमा के लिए काफी बड़ी बात है। तो 2018 फिल्म ने सिर्फ 11 दिनों में ही 100 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मछुआरे इस वक्त पूरे केरला के लिए फरिश्ते के रूप में उतरे हैं। नंबर 4, हाईएस्ट केरला बॉक्स ऑफिस। 2018 फिल्म ने केरला बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 और पुली मुर्गन को भी पीछे छोड़ दिया है। बाहुबली 2 ने केरला बॉक्स ऑफिस पर करीब 75 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं मोहनलाल की फिल्म पुली मुर्गन ने करीब 84 करोड़ का कलेक्शन किया था। लेकिन अब 2018 ने इन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है और इस फिल्म ने केरला बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और अभी भी फिल्म सिनेमा घरों में चल रही है। अब ज्यादा कलेक्शन नहीं होगा क्योंकि 2018 7 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। यहां पर आपको ये भी जाननी चाहिए कि अभी तक किसी भी फिल्म ने केरला बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं किया है। हाँ, 2018 कर सकती थी लेकिन अब जब ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली है तो ज्यादा से ज्यादा 90 करोड़ तक ही जा सकती है। पहले बारिश आती थी तो दिल को बहुत सुकून मिलता, पर अब लग रहा है कि जल्द से जल्द छुटकारा। नंबर 3, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम मूवी इन ओवरसीज बॉक्स ऑफिस। केरला बॉक्स ऑफिस के साथ इस फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर भी सबसे ज्यादा कमाई की है। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म लूसीफर है जिसने बाहर के देशों में करीब 50 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, और ये इकलौती फिल्म है जिसने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन अब 2018 ने लूसीफर फिल्म को पीछे छोड़ दिया है और इस फिल्म ने 67 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म 2018 है। पूरा शहर पानी पानी हो रहा है, लोगों के मन में डर है, प्रशासन की तरफ से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही। नंबर 2, फर्स्ट मलयालम मूवी टू क्रॉस 150 करोड़। 100 करोड़ के साथ 2018 ने 150 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर दिया है और ये पहली मलयालम फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ के आंकड़े को पार किया है। जी हाँ, अभी तक ना ही मोहनलाल की फिल्म ने 150 करोड़ का कलेक्शन किया है और ना ही मम्मूटी की। टोविन थॉमस की ये फिल्म पहली मलयालम फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कलेक्शन किया है। अच्छा, लूसीफर को लेकर जो बताया गया था कि फिल्म ने 200 करोड़ की कमाई की है, दरअसल उसमें बॉक्स ऑफिस के साथ फिल्म के राइट को भी शामिल किया गया था। लूसीफर का एक्चुअल कलेक्शन 125 करोड़ है। तो 2018 पहली मलयालम फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कलेक्शन किया है। देखा, एक बूंद पानी के लिए भी इन लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। मीडिया वाले यही तो उनका काम है। नंबर 1, हाईएस्ट ग्रॉसिंग मलयालम फिल्म। 2018 ने पुली मुर्गन फिल्म को पीछे छोड़ दिया है और अब ये फिल्म मलयालम सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। 2016 में आई मोहनलाल की सुपरहिट फिल्म पुली मुर्गन ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 134 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये 2016 से मलयालम बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर थी। लेकिन अब 7 साल के उस रिकॉर्ड को 2018 फिल्म ने तोड़ दिया है। 2018 को करीब 20 करोड़ के बजट में बनाया गया था और इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। लेकिन फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस कर दिया है कि 2018 7 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। अगर ये फिल्म 7 जून को नहीं आती तो हो सकता था कि फिल्म 200 करोड़ के आंकड़े को भी छू लेती, लेकिन शायद अब ये फिल्म 200 करोड़ तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अब 2018 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ से ज्यादा कमाई की है। पापा और मैं उन्हें बचाने जा रहे हैं, तो बताओ कौन आएगा हमारे साथ। तो आप में से किस किसने 2018 फिल्म देखी है और ये फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी
फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।